तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किया कार्निवल। थ्री मॉडल्स में आती है, प्रीमियम, प्रेस्टीज एंड लिमोजिन। और ये टॉप मॉडल लिमोजिन आप देख रहे हैं। और कुछ ऐसी दिखती गाड़ी की कीज़। इसके फंक्शंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले गाड़ी को फ्रंट से देख लेते हैं। और गाड़ी के कलर ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये ड्यूल जोन LED हेडलैम्प्स मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर एंड DRLs के साथ। और यहाँ मिलेंगे आपको आइस क्यूब शेप में फॉग लैम्प्स, वो भी LED। और क्रोम फिनिश देख सकते हैं गाड़ी में। और यह किया का लोगो। और कुछ ऐसे दिखती है फ्रंट की ग्रिल, और इसमें भी आप क्रोम के काम देख सकते हैं। और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी शानदार लुक है। और साइड से दिखा देता हूँ गाड़ी आप लोगों को। काफ़ी लंबी गाड़ी है। और ये टॉप मॉडल लिमोजिन आप देख रहे हैं। और एक बार आपको गाड़ी पीछे से भी दिखा देता हूँ। और ये रियर LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर डीप फॉगर एंड वाइपर के साथ। और ये कार्निवल की बैजिंग, ये किया की बैजिंग, और ये लिमोजिन टॉप मॉडल की बैजिंग। और ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है रूफ रेल्स के साथ। और ये फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन आप देख रहे हैं। और गाड़ी के की से ही आपके डोर खुल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और मैं पहले डोर खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। और उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। और इसका कुछ स्पोर्टिंग अलॉय व्हील करके नाम दिया गया है। और ये क्रोम टाइप के हम देख सकते हैं। और ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलते हैं गाड़ी में। और इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी अनाउंस नहीं है, कंफर्म नहीं है। एस्टिमेटेड प्राइसिंग ये बता रहे हैं कि 32 से लेकर 35 लाख तक की है। और अभी इसकी टेस्ट ड्राइव भी चालू नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं गाड़ी, एक मिनट पहले मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ गाड़ी का। और गाड़ी का बूट आप लोग देख सकते हैं की से ही खुल जाता है। 520 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। और बूट काफ़ी डीप है, इसमें काफ़ी हाई लोडिंग ले पे तो दिक्कत जाएगी। और ये देख सकते हैं फ्रंट का डैशबोर्ड को ऐसा दिखता है पीछे के बूट से। और बूट क्लोज कर लेते हैं, की से ही क्लोज हो जाएगा बूट। ये देख सकते हैं मैंने बटन दबा दिया, बूट क्लोज हो जाएगा। और कुछ ऐसी दिखती है पीछे की LED टेल लैंप्स। और ये जो मटेरियल देख रहे हैं, अगर आप सामान अंदर बाहर करते तो स्क्रैच ना है, उसके लिए है। और गाड़ी को आपके पैसेंजर साइड डोर से लुक दिखा देता हूँ। ऑटो पावर विंडो मिलते हैं। और ये डोर अनलॉक लॉक करने का बटन मिल जाता है सेपरेट यहाँ पैसेंजर साइड। और ये लेदर है, पूरे लेदर अपॉल्स्ट्री। और ये बॉटल होल्डर के लिए स्पेस। और कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट की सीट्स, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। और 8 एयरबैग आते हैं गाड़ी में। और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और यहाँ मिलेंगे, यहाँ खोलेंगे तो यहाँ ऊपर भी ग्लव बॉक्स मिलेगा। और ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स। कूलिंग के फंक्शन नहीं है इसमें। मेन डैशबोर्ड इसका काफी प्यारा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का पूरा आउटसाइड लुक। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और स्लाइडिंग रियर स्लाइडिंग डोर मिलते हैं, जो कि की से भी ओपन हो जाएंगे विथ कीलेस गो। चलिए पीछे का डोर खोल लेते हैं।
आप देख सकते हैं बटन दबाते ही डोर खुल चुका है, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर। और पीछे की सीट्स में मैं बैठूंगा नहीं, आपको ऐसे ही अंदाज़ा बता दे रहा हूँ। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सनब्लेंड मिलते हैं, मैनुअल कंट्रोल होंगे जो कि, और पीछे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी की। और यहाँ 10.2 इंचेस का स्क्रीन मिलता है पीछे, जो कि यूट्यूब और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का भी सब सपोर्ट करेगा। बस आपको हॉटस्पॉट या नेटवर्क जो कि कह रहे हैं वो देना पड़ेगा। और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग भी मिलती है गाड़ी में, और इनोवा से ज़्यादा स्पेशियस है, पर इसकी प्राइसिंग भी इनोवा से ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट में आ रही है। और बाकी गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है तो बाद में ही पता चलेगा। पीछे USB चार्जर मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है गाड़ी में, ऊपर सनरूफ मिल जाता है। और यहाँ केबिन लैंप देख सकते हैं पीछे की, ये एसी वेंट्स, टोटल 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी में। और आप लोगों को गाड़ी एक बार ड्राइवर साइड गेट का लुक दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का ड्राइवर साइड गेट का लुक। ऑल 4 ऑटो डाउन विद ऑटो आपके साथ मिलते हैं पावर विंडो, और डोर में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। और ये डोर अनलॉक लॉक करने का बटन, विंडो अनलॉक लॉक करने का बटन, ORVM एडजस्ट करने का बटन, और इनको ऑटो मोड में भी आप डाल सकते हैं। और हार्मन कार्डन के स्पीकर मिल जाते हैं। और ये फ्रंट पे बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, और कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट की सीट्स। इलेक्ट्रिक सीट मिलती है आपको ड्राइवर साइड टॉप मॉडल में, 8-way एडजस्टेबल सीट मिलती है। और ये है ऐसे कुछ दिखते हैं पेडल्स, और ये फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ से खुलेगी फ्यूल लाइट गाड़ी की, यहाँ से होगी हेडलाइट लेवलिंग का स्विच चाहिए। और ये आपकी होगी यहाँ से केबिन की लाइट, आप ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, और यहाँ मिलता है AC वेंट कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग में। चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और अंदर बैठने के बाद डोर क्लोज कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज़ आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग, काफ़ी शानदार डिज़ाइनिंग है। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है गाड़ी में, और 2 सनरूफ मिलते हैं आपको गाड़ी में। और यह है 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2.2 लीटर का इंजन मिलता है किया कार्निवल में। और यह है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड पार्किंग, इको मोड का बटन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, USB चार्जर, वायरलेस चार्जिंग। और कुछ ये है गाड़ी का 3-zone, इसमें आपको 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। और ऐसा कुछ दिखता है 10.2 इंच का हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख सकते हैं आप लोग गाड़ी का। और टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता गाड़ी में। और गाड़ी का अगर ड्राइवर साइड सनशेड खोलूं मैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलती है, देख सकते हैं आप लोग। और पैसेंजर साइड अगर खोलूं तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर विद लाइट मिलेगी। और ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये सनग्लास होल्डर नहीं, ये वो है जो XUV में हमने पहली बार देखा था, 360 डिग्री मिरर ड्राइवर के लिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और एक बार आपको गाड़ी का इंजन भी दिखा देता हूँ मैं, और कुछ ऐसी दिखती गाड़ी की कीज़, एक बार फिर से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी की कीज़ को। और ओवरऑल रिस्पांस देखना पड़ेगा गाड़ी का, जो कि थोड़े दिन बाद आएगा। और पहले गाड़ी का बोनट खोल लेते हैं, फिर मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ। और यहाँ ऑटो की बैजिंग, तो दोस्तों यह है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है गाड़ी में, 200 BHP देगा, और 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और आप लोग काफ़ी देख सकते हैं इंजन जो कंपार्टमेंट है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी बड़ा नहीं है। और इसकी प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं हुई है, और जो एस्टिमेटेड प्राइसिंग बता रहे हैं वो है 32.3 लाख से लेकर 35.5 लाख से। चलिए बोनट क्लोज कर लेते हैं।
और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें हाइड्रोलिक स्टर्ट नहीं मिलते हैं जो कि देना चाहिए थे, इतना भारी बोनस उठाना पड़ता है आपको खुद। अगर आप 30-35 लाख की गाड़ी दे रहे हो तो उसमें आप हाइड्रोलिक स्टर्ट भी दे सकते हैं। चलिए बोनट क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा किया कार्निवल का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आप और अच्छी वीडियो देख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।